अनुरक्षण। कोर्ट से स्थगन आदेश हटाए जाने के बाद अब जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती में जल्द शासनादेश जारी करने और अधियाचित पदों को जोड़ने के साथ भर्ती जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा है कि अधिकारी वादाखिलाफी कर रहे हैं जिसके कारण भर्ती अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि भर्ती में लगा स्थगन आदेश 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने हटाने के साथ भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, लेकिन अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण अभी तक भर्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे पहले 19 फरवरी को धरना दिया गया था, तब अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि शासनादेश जल्द जारी हो जाएगा, किंतु 15 दिन के बीतने के बाद भी अधिकारियों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। लखनऊ में भी 27 फरवरी को समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में निशानगंज लखनऊ में धरना दिया गया था। वहां महानिदेशक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की ओर से जल्द शासनादेश जारी करने और भर्ती पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गए 1.5 साल। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इसी महीने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है।